अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश 101 का एक और क्विज़ आपके पास लेकर आए हैं। बताते चलें आपको कि ये क्विज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप यही क्विज़ देख लें, इन्हें ही रीड आउट कर लें, तो आप अपना क्विज़ भी अच्छा दे सकते हैं, हालांकि आप मिड टर्म में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यही से बेस बनती है आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। द फ्रॉग सैट ऑन द साइड ऑफ द पॉन्ड, ही वॉज वेरी स्टिल, हिज ग्रीन कलर मेड हिम हार्ड टू सी। ये फ्रॉग्स लिव्स इन पॉन्ड, मतलब ये आपको पूछा जा रहा है कि फिर इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो आपके पास आ जाता है सिनोनिम फॉर द वर्ड फॉय। फॉय इज इनिमी, सी आंसर है इसका। इसके बाद सिनोनिम फॉर द वर्ड फॉय इज इनिमी रिपीट हुआ। चूज़ वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज स्टेटमेंट। डिस्कोर्स का क्या सब्सटीट्यूट, मतलब रिप्लेसमेंट हो सकता है, सरमन का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है जी, सॉरी डिस्कोर्स का सरमन हो सकता है रिप्लेसमेंट। इसके बाद आ जाता है सेलेक्ट द करेक्ट इरेगुलर प्लूरल ऑफ द वर्ड। गूज का गीज होगा, क्योंकि एस ई ई एस सात प्लूरल बन जाता है। डैश द टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट गॉट 100%। ऑल दो वो कह रहे हैं कि टेस्ट, तो ऑल दो टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, टेस्ट बहुत मुश्किल था, लेकिन सब स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स ले लिए। चूज़ वन अल्टरनेटिव फ्राम द ऑप्शन विच कैन बी, ये दोबारा रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप के कैसे रिपीट होते हैं ये एम सी क्यूज़। इसके बाद डिक्शनरीज आर यूजेज कोड्स आर अब्रिविएशन टू इंडिकेट द ग्रामर एंड यूज ऑफ वर्ड। हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, एन इज इक्वल टू नॉर्मल, इज इक्वल टू एडजेंट, पी एल इज इक्वल टू प्लीज, इन फॉर्मल का आई एन एफ एम एल। तो ये आपके लिए ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि सभी ठीक हैं। इसके बाद पूछते हैं वी हैव प्लेंटी ऑफ मनी एंड वर्कर्स, डैश वी होप टू फिनिश द हाउस रीमॉडलिंग सून। थस क्योंकि इसलिए आएगा, नेवर टेलनेस और अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता, और जो है अनलेस उसका भी कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा इसका आंसर था सी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे पास आता है मेक द स्टूडेंट स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। देर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव द सेम स्पेलिंग बट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर सजेस्ट डिफरेंटली, इसका आंसर ट्रू है। इसके बाद चूज द करेक्ट ज्योमेट्रिकली ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, द मच रिजेंबल्स दैट, ये आपके लिए ग्रामर है, ग्रामेटिकली द मच रिजेंबल्स दैट, दिस मच रिजेंबल्स दैट एक ट्रू जो है ना वो स्टेटमेंट है। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्टिंग डिटेल में रेफर टू टॉपिक सेंटेंस सेकेंडरी पॉइंट्स, तो इसका आंसर है डी, अनदर नेम ऑफ मैन आइडिया। स्पोर्टिंग डिटेल जो होती हैं वो मैन आइडिया का एक अनदर नेम होती है जो उसे सपोर्ट करती हैं। मैन आइडिया कैन बी अंडरस्टूड एज द गिस्ट ऑफ अ पैसेज, पैसेज सेंट्रल थॉट स्टेटमेंट दैट गिव्स द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेजर टॉपिक ऑफ अ पैसेज। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे पास हमें मिलता है जी कि नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग अ करेक्ट ऑप्शन। क्वाइट ऑफन फहद फोन रिंग्स ड्यूरिंग अ मीटिंग, क्योंकि वाइल अ मीटिंग नहीं ड्यूरिंग अ मीटिंग आएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद डेड एंड अलाइव आर एग्जांपल्स ऑफ एंटोनिम्स, तो इसके बाद कंट्री टेबल राइटर एंड गर्ल आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की एग्जांपल इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर राइटर की जगह कुछ और होता और टेबल की जगह दिस टेबल इज ऑफ वुड मेक, वुड भी आ जाता तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता, ठीक है। गर्ल की जगह कोई नाम आ जाता, इसी तरह अगर नाम साथ कंट्री की जगह पाकिस्तान आ जाता तो वो प्रॉपर नाउन में शुमार होता। इसके बाद देयर आर डैश वॉइस कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश साउंड 16 हैं। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट इरेगुलर प्लेस ऑफ द प्लूरल ऑफ द वर्ड शेल्फ, शेल्फ का होगा शेल्फ्स, सॉरी हाँ बी शेल्व्स होगा, शेल्फ होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी द फ्रॉग सैट ऑन द, ये एक पैसेज दिया आपसे पूछेंगे कि ये पैसेज मतलब क्या कौन सा आइडिया डिस्क्राइब कर रहा है, बेसिकली ये कह रहे फ्रॉग लिव इन पाउंड्स। इसके बाद आ जाता है जी फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पैलेट, सॉरी ये नोटिफिकेशन आ गया था, पैलेट पी ए एल ए टी इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसके बाद डैश द टर्म टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, ऑल द स्टूडेंट गॉट 100% बट द टेस्ट, ये बट नहीं है आल्थो, ये यहाँ पर इन्होंने गलत लगाया हुआ, ये देखिए नीचे आंसर शो भी हो रहा है बी। इसके बाद आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस, देर इज अ क्रो इन द रोज़ गार्डन, देर इज़ अ काउ सॉरी इन द रोज़ गार्डन। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन दा इन्होंने लिखा है लेकिन दी नहीं है, यहाँ पर रोज़ गार्डन ही है, क्योंकि काउ तो कोई भी हो सकती है, अगर वहाँ पर लिखते ऑस्ट्रेलियन काउ तो रोज़ गार्डन की जगह गार्डन मत सिर्फ गार्डन होता, तो फिर आप फॉर एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन काउ को प्रॉपर नाउन कह सकते थे, क्योंकि रोज़ गार्डन फूल वाला गार्डन एक प्रॉपर नाम आपको बताया जा रहा है, तो यही है। इसके बाद यू कैन यूज़ एंटोनिम्स टू शो डिफरेंसेस, डिफरेंस शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं डी आंसर है इसका। इसके बाद
Choose one alternative from the options which can be substituted for the given statement. A dramatic performance mask is the answer. Mask, MASQUE. A country table, writer and girls are examples of common nouns. ये फिर वही रिपीट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद होगी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।